देखो ऐसा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्क है और इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, इस डिस्क का रेडियस आर है, इसका मास एम है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू। हां जी, अब मैंने कहा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर क्या चीज है, सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो सॉलिड स्फीयर को कैसे मानो, सॉलिड बॉल है इसको ऐसे मानो, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी डिस्क, चॉप कर दिया उसे, हाँ या ना? Yes. और फिर ये कहो कि ओके अब कैसे काटूं, सोच रहा हूं मैं, मैंने कहा ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं एक्सिस के अबाउट। अच्छा, इस डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट बना रहा हूं फील के लिए, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। एक्स डिस्टेंस पे ये 3D में ये डिस्क है जिसकी थिकनेस तो कितनी है dx, ये रेडियस कैपिटल R है, इस डिस्क का रेडियस भी वेरिएबल होएगा स्मॉल r, इस डिस्क का रेडियस स्मॉल r होएगा ना, कैपिटल R थोड़ी होगा, वो तुम्हें फील भी आ रही होगी, भाई ब्लू वाले में देखो ना, ये डिस्क बनी अगर तो इसका रेडियस कुछ है, अब ये वाली डिस्क बनेगी तो इसका रेडियस ज्यादा है, और ये ऊपर डिस्क बनी होगी तो इसका रेडियस कम है, तो हम ये कहेंगे कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्मॉल r रेडियस की एक डिस्क बना दो, और इस डिस्क का मास हो जाएगा dm, और मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं dm स्मॉल r स्क्वायर बाय 2। सोच के, हाँ, क्योंकि ये जो डिस्क बनाई है तुमने, इसका रेडियस तो स्मॉल r है, हाँ या ना, और उसका मास dm है, और तुम्हारा एक्सिस जो है वो ये है, एक्सिस है वो ये है, am I right? तो क्या मैं कह सकता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm स्मॉल r स्क्वायर बाय 2, dm स्मॉल r स्क्वायर बाय 2। रुक जाओ, अब dm को लिखना है, dm को लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू छोटी सी वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हो जाएगा m अपॉन 4/3 pi r³, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और छोटी सी वॉल्यूम क्या मैं कह सकता हूं, ये शेडेड वाली वॉल्यूम लिखनी है, इसको सॉर्ट ऑफ मान लो एरिया इनटू थिकनेस, सिलेंडर टाइप मान लो, एग्जैक्टली, गुड मैन, गुड, पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स, एरिया इनटू थिकनेस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डीएक्स, सो यहां पर लेके आए तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा डीआई इज डीएम को लिख दो एम अपॉन 4/3 pi r³ इनटू पाई आर स्क्वायर डीएक्स, ये तो पूरा डीएम बना, इनटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 का समेशन, पाई से पाई कट गया, ये बन जाएगा 3m अपॉन 8 r³। अब अंदर दिक्कत है, ये बन रहा है r की पावर 4 इंटू dx का इंटीग्रल, दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और आई थिंक रेडियस भी वेरिएबल है, तो ऐसे तो इंटीग्रेट होएगा ही नहीं, तुम्हें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, सो दैट कि वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, fx dx का इंटीग्रल होता है ना, वाइट मतलब इसको समहाउ तुम्हें x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस क्या कहेगा, r स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या मैं कह सकता हूं x की r की पावर 4 को लिख सकते हैं r की, इसको एक काम करो, ये इसको साइड में ही रख लो, इस इंटीग्रल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर
into dx. अब रुक जाओ, अब लिमिट सोचो x पे, प्लस r माइनस r से, माइनस r से प्लस r, क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे रखा है, तुमने ये कहा है कि इस x पे मैंने ये डिस्क काटी पतली सी, ऐसे तो कहा है, तो तुम ये कहोगे कि ये डिस्क भी कटेगी इस x पे, ये डिस्क कटेगी इस x पे, ये डिस्क कटेगी इस x पे, ये डिस्क कटेगी इस x पे, क्या मैं कह सकता हूं x की वैल्यू माइनस कैपिटल R से प्लस कैपिटल R तक जानी चाहिए, ये हो गया माइनस कैपिटल R से प्लस कैपिटल R। अब ये इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा, मैंने कहा इसके होल स्क्वायर को खोल दो, खोल दो, तो ये बन जाएगा R की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स माइनस आर से प्लस आर। अब यहां पर आर की पावर 4 तो कांस्टेंट है, इनटू डीएक्स, तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा आर की पावर 4 इनटू एक्स प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स की पावर 3 बाय 3। R की पावर 4 इंटू एक्स dx का इंटीग्रल, x की पावर 5 बाय 5 माइनस 2 आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया x क्यूब बाय 3। अब लिमिट भी डालनी है, माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर, ये बन जाएगा R की पावर 4 इंटू 2R। तुम कहोगे 2R क्यों बनेगा, मैंने कहा इसमें x डालो R, फिर माइनस ऑफ माइनस R तो प्लस 2 हो जाएगा, जो ये सेकंड क्वांटिटी है ये भी ऐसी बनेगी, कैसे, r की पावर 5 माइनस ऑफ माइनस r की पावर 5, अब वो ऑड पावर है तो एक माइनस साइन बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r की पावर 2 r की पावर 5 बाय 5 माइनस 2 r स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा r क्यूब माइनस ऑफ माइनस r क्यूब दैट इज 2, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो या फिर 2 r क्यूब बाय 3, ये क्वांटिटी बन रही है। एलसीएम ले लो 15, एलसीएम ले लो 15, सही है, r की पावर 5 को ले लो कॉमन, r की पावर 5 को ले लो कॉमन, ले लिया 15 टू जा 30 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 5 जा 20, 36 माइनस 20 16, तो दैट इज 16 r की पावर 5 बाय 15 6 r। अरे भाई इसको यहां पे भी डालना पड़ेगा, यहां पे भी डालना पड़ेगा, ये क्वांटिटी भी बची हुई थी, तुमने सिर्फ इंटीग्रल को कैलकुलेट किया है यहां पे, तो ये बन जाएगा 3m अपॉन 8r क्यूब इंटू 16 आर की पावर 5 बाय 15 3 5 8 2, ये आंसर आ गया 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर, और ये रिजल्ट भी रटना है।